other one of my class is a very lecture in the Gala Power Chatters. It's a very great event, but it's today. Because of the topic of the study, I am going to say. तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था बायोटेक कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिया था ठीक है अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या कवर किया था जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है जो हमारे नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं इकोसिस्टम में सच एज मिनरल्स गैसेस लिक्विड्स एंड एमिटर्स आर रिफर्ड टू एज एबायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक बेस ऑन लाइफ और नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑनर फैक्टर्स सच एज हैबिट्स जोरिया फॉर्म्स लैग्स ओशियन डिजास्टर माउंटेन्स ठीक है फिर क्या था हमारा जो उनके वेदर कम वेदर चेंजेस हैं जैसे सच एज टेम्परेचर क्लाउड्स कवर रेन स्नो हरिकेन एक्सेट्रा ये सब क्या आते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर इज नॉन लिविंग कंडीशन और चेंजेस सच एज क्लाइमेट और हैबिट्स ठीक है जो हमारा एबायोटिक फैक्टर्स होता है वो कौन सा होता है नॉन लिविंग कंडीशन का होता है क्या क्या होता है जैसे क्लाइमेट है ये और क्या है हैबिट्स ये सब हमारे क्या है एबायोटिक फैक्टर्स हैं ठीक है ये फैक्टर्स क्या करते हैं इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड और यानी क्या करते हैं हमारे इकोसिस्टम को जो उनको क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर कैन बी determine which species of organisms survive in given environment क्या करते हैं ये क्या करते हैं species of organisms को survive करने के लिए एक योगदान देते हैं ठीक है next क्या था biotic component को फिर हमने further divide किया था इसमें दो part में पहला क्या हमारा physical component और दूसरा क्या हमारा chemical component physical component में क्या क्या आते हैं sunlight आती है ठीक है water आएगा air टेम्परेचर रेनफॉल सॉइल टेक्सचर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एक्सेट्रा जितने भी हमारे फिजिकली कंपोनेंट्स होंगे वो सब क्या आएंगे फिजिकल एनवायरनमेंट में इसको साथ ही क्या साथ ही हम क्या बोल सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जो हमारा नेचुरली जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स में आएंगे ठीक है फिर हमारा केमिकल कंपोनेंट्स अब जो कंपोनेंट्स केमिकल्स होंगे जो सारे केमिकल्स होंगे वो इसमें आएंगे हमारे केमिकल कंपोनेंट जैसे हमारा कार्बन ऑक्सीजन ठीक है नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयरन कॉपर और जिंक एक्सेट्रा जितने भी हमारे केमिकल्स होंगे वो किसमें आएंगे हमारे केमिकल कंपाउंड फिर हमने क्या पढ़ा था एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम यानी एनर्जी कैसे कैसे फ्लो होती है हमारे इको सिस्टम में वो पढ़े तो सबसे पहले एनर्जी जो हमारी साइकिल है एनर्जी फ्लो ऑफ साइकिल है वो क्या हमारी वाटर साइकिल ठीक है फिर हमारा कार्बन साइकिल ठीक है फिर था हमारा ऑक्सीजन साइकिल फिर हमारा नाइट्रोजन साइकिल फिर था हमारा एनर्जी साइकिल वाटर साइकिल क्या होता है सिंपली वाटर फॉर्मेशन वाटर का वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या जो हमारा सनलाइट है सनलाइट से क्या होता है वाटर हीट होता है हीट होने के बाद क्या होता है एवोपोरेशन एवोपोरेशन कंडेंसेशन ठीक है फिर वेपराइजेशन पेपर में कन्वर्ट होना फिर क्या होता है हमारा प्रेसिपिटेशन यानी जो हमारा वाटर का फॉर्मेशन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर हमारा क्या क्या हो जाता है हमारा वाटर ठीक है हमारा एक वाटर साइकिल ठीक है नेक्स्ट हमारा कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल वो कौन कौन से होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यानी हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड है होंगे दोनों में क्या होता है ये पार्ट करता है ठीक है एबायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम में वो भी बोथ में एक्टर को फॉलो करता है कार्बन हमारे प्लांट्स में भी होते हैं एनिमल्स टिश्यूज में भी होते हैं ठीक है कार्बन कहाँ से अगर करते हैं कार्बन जो हमारे अर्थ में पहले से प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट होता है उसमें क्या करते हैं प्रेजेंट होता है ठीक है तो फोटोसिंथेसिस भी हमें क्या करता है प्लांट को प्लांट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड दैट्स कंटेन कार्बन एंड यूनिट ऑक्सीजन क्या करता है जो हमारा पौधा है जो हमारा फल सॉरी फल बनाता है
तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, फिर क्या करता है उसमें से कार्बन कार्बन को कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करने के बाद इवन क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन इसके इस्तेमाल करते हुए हमारा ऑक्सीजन कुछ हम मनुष्य और एनिमल्स इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है हमारा, प्लांट्स आर कंज्यूम बाय एनिमल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या करते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, इसलिए अपने अपनी एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हमारा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, क्या होता है कि हम बोथ कहीं भी हमारा प्लांट और एनिमल क्या होता है दोनों ही क्या करते हैं रिलीज करते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इस प्रोसेस में रिस्पिरेशन प्रोसेस में, यानी श्वसन क्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन रिटर्न इन टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ डेड मैटर, यानी क्या होता है कार्बन रिटर्न कर जाता है सॉइल में, कैसे होता है वो रिटर्न बाई वेस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जब पूरी तरह से हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं मैटर, तब क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे ये थी हमारे कार्बन से कार्बन का साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है सनलाइट, ठीक है, बिकाउ सनलाइट कुछ होता नहीं कि फोटोसिंथेसिस होता है, फल बनाया है इसने, फल बनाने के बाद ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, ठीक है। ऑक्सीजन वो कहाँ गया, वो किसने लिया, हमारे जो एनिमल्स ने लिया, फिर एनिमल्स ने क्या किया, एनिमल्स क्या हुआ, एनिमल को किसी ने खाया, किसी कार्निवोरस ने उसको खा लिया, फिर खाने के बाद क्या हुआ उसका डेड हुआ, डेड किसी के बाद फिर हमारा क्या हुआ कार्बन सॉइल में प्रेजेंट हुआ, ठीक। फिर क्या हुआ, जो जो हमारा एनिमल्स ने खा उसका क्या रिटर्न हुआ, फिर उसमें प्लांट रिस्पिरेशन, ठीक है। जो हमने जो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ने छोड़ा वो क्या चला गया, फिर खा फिर ट्रीट चला, फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर उसने क्या किया कार्बन डाई कार्बन को अपना ले लिया, फिर उसने क्या किया ऑक्सीजन को छोड़ दिया, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, फिर एटमॉस्फेयर में फिर चला गया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला, ठीक है, ये था हमारा पूरा प्रोसेस। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंपली है, ऑक्सीजन हमारे जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है वो प्लांट जो हमारा क्या करता है कार्बन को इनहेल करता है, फिर और क्या करता है जो हमारा ऑक्सीजन है उसको क्या कर देता है छोड़ता है, वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उसको क्या करते हैं इनहेल करते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स जो क्या करते हैं उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है फिर जब वो डेथ हो जाता है, फिर उसके डेथ होने के बाद क्या होता है पूरी तरह से डिकेड हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉइल में चला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन साइकिल, और जैसे कि जानते हैं 87% हमारा जो अर्थ है वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है 78% है हमारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, ठीक है। फिर जो हमारा लिविंग थिंग है वो रिक्वायर करते हैं नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो हम जानते हैं नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन से पूरे फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है। लिविंग थिंग क्या करता है जो नाइट्रोजन वो कंपाउंड फॉर्म में भी यूज कर सकता है और फ्री फॉर्म में, ये क्या करता है जो नाइट्रोजन वो क्या करता है हमारे बॉडी में प्रोटीन और इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बिल्ड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बताओ वो नाइट्रोजन चाहेंगे, ठीक। नाइट्रोजन सर्किल सबसे पहले क्या होता है वो जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स करता है इसको प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या करता है वो रिमूव करता है इसमें डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, दो बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पिसोसोडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं फॉर्मेशन करती है डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या होता है नाइट्रेट ये विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये जो दो बैक्टीरिया होती है वो फॉर्मेशन करती है
डिनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट, जब नाइट्रेट वो नाइट्रेट जब बन जाता है पूरी तरह कम्प्लीटली तो वो फिर क्या करते हैं, वो नाइट्रेट का इस्तेमाल क्या होता है प्लेस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा जो नाइट्रेट वो होता है क्या आता है, ठीक है, वो क्या होता है जब हम ब्रीद करते हैं तो नाइट्रेट हमारे फॉर्म में आता है, ठीक, फिर क्या हो जाता है वो नाइट्रेट उस नाइट्रोजन और में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या करते हैं हम ब्रीद तो करते हैं नाइट्रेट, फिर वो क्या कर जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो हमारा नाइट्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, फिर वही नाइट्रोजन गैस कहाँ चला जाता है डायरेक्ट एटमोसफेयर, ठीक है, ये पूरा होल प्रोसेस था जिसका नाइट्रोजन साइकिल का। नेक्स्ट था हमारा एनर्जी साइकिल, एनर्जी साइकिल विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सनलाइट मस्ट है, ठीक है, सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट क्या होता है सन से जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी क्या होता है वो एनर्जी प्रोड्यूसर क्या होता है वो लेके फूड अपना बनाता है, ठीक है, फूड बनाने के बाद क्या करता है वो अपना हीट कुछ रिलीज करता है, कुछ एनर्जी वो हीट में रिलीज कर देता है, फिर क्या करता है वो जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर दे देता है, ठीक, वो कंज्यूमर क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्रोड्यूसर क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर देता है कंज्यूमर को दे देता है, ठीक है, फिर जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है हीट जनरेट करता है, ठीक है, फिर क्या होता है उस कंज्यूमर को डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है, डिकम्पोजर क्या करता है जो कंज्यूमर है उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करता है, ठीक है, बाय ऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगाई एक्सेट्रा, ठीक, ये क्या ऑर्गेनिज्म पूरा ठीक कर देता है उसको पूरा डिकम्पोज करता है, वो जब डिकम्पोज होता है तो उसके बाद क्या होता है वो हीट रिलीज करता है, हीट करने के बाद जो डीके मटेरियल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फिर हमारा किसमें कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक क्या हो जाता है हमारे जो खाद बन जाती है उसके बाद क्या होता है फिर वो फॉर्म करता है प्रोड्यूसर का जैसे कि ट्री, ठीक है, फिर ये होल प्रोसेस एनर्जी का होता रहता है, ठीक है, ये था हमारा एनर्जी साइकिल किस पर वर्क करता है ये हम जानते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट एज ए ट्रांसफर, ठीक, फिर ना हमारा जो एनर्जी साइकिल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनर्जी साइकिल, ठीक, सबसे पहले क्या होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, सनलाइट के बाद क्या था फॉसिल प्रोड्यूसर यानी ट्री, फिर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हमारा आता है हमारा क्या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएंगे रैबिट, रैबिट, ठीक, फिर प्राइमरी कंज्यूमर एग्जांपल अगर रैबिट, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन कौन से होंगे पहला हमारा स्नैक्स, स्नैक्स ईगल ये सब हमारे क्या होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर क्या होता है हमारा टर्शरी, टर्शरी में हमारा आएगा लॉयन टाइगर, फिर फाइनली ये क्या हो जाएंगे डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये था क्या एनर्जी डिक्रीज हो रही थी यानी कि एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो था एनर्जी का, ठीक है, एक डायरेक्शनल में फिर हमारे जो एनर्जी है वो ना कि किसी फॉर्म में कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्या हो रहा था कि वो फिर से ट्रांसफर एनर्जी के साथ नहीं हो रहा था, वो एक डीके मटेरियल के हिसाब से हो रहा था, ठीक है, ये होल प्रोसेस था हमारा एनर्जी का यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता हमारा फूड चेन, तो भाई फूड चेन क्या होता है एवरी लेवल थ्रू आवर यूजिंग थिंग्स requires energy to survive whether it is plant animals or जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या होता है एनर्जी के सर्वाइव करने के लिए सर्वाइव करने के लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, वेदर वो क्या हो प्लांट हो
चाहे एनिमल्स हो और नंबर बींग्स हो, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाई लिविंग बींग्स को, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए चाहिए लिविंग बींग्स को किस लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट प्लांट गेट्स देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो एनर्जी किससे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की वजह से, ठीक है। एनिमल गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड दे कंज्यूम, ठीक है, एनिमल जो क्या करते हैं वो अब एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से वो दे कंज्यूम, ठीक है। फूड चेन, फूड चेन की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली मतलब फूड चेन, फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ टू ईट फूड इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड प्रोसेस फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फूड चेन का सिंपली होता है सीक्वेंस होता है एनर्जी का चक्र है, एक फूड से एनर्जी दूसरे फूड में चेंज हो गई, अपने अपने बायोलॉजिकल जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो हमने जो जो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको ऑब्टेन कर देते हैं फूड चेन का एक सीक्वेंस, ठीक है। A food chain shows how each living thing gets food and how nutrients and energy are passed from each to each. ठीक है, a simple food chain है जो हमें सबसे पहले क्या है हमारा जो ग्रास, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रास, फिर ग्रास को किसने एड किया, रैबिट ने, ठीक, रैबिट के बाद क्या हुआ, ये अपने बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमें ऑब्टेन करना होता है उसका जो सीक्वेंस होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, जो सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। फूड चेन का और भी फिगर्स हैं, पहला क्या इसमें नट्स, नट्स है, फिर क्या वो उसको किसमें खा लिया, ईट किया इसमें रैट ने, रैट ने क्या, फिर उसके बाद क्या स्नैक्स, स्नैक्स फिर स्नैक्स को किसने ये खा लिया, तो ये था वो था एक तो जो पहला हमने बताया वो तो सिंपल सा एक कन्वर्जन था फूड चेन, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ लॉन्ग थोड़ा सा, फिर वो ग्रास कवर को क्या करता है, वो क्या हो जाता है, रैट को ईट करता है, फिर रैट से उधर जाता है स्नैक्स में, फिर स्नैक का ईट करता है, ये था लॉन्गर सीज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। फिर अब इसमें करूँ कि सन आ गया, इसमें सन के बाद ग्रास, ग्रास के बाद ग्रोस पर, ग्रोस पर रैट, रैट के बाद स्नैक, इसके बाद ईगल, ईगल के बाद डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, सुबह फंडाइल में हो गया कन्वर्ट, ठीक, फिर क्या हुआ वो कन्वर्ट किस में हुआ, फिर वो ग्रास में, ठीक। ये प्रोसेस जो तो प्रोसेस है वो क्या है, हमारी फूड चेन का प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमारे फूड चेन यहाँ पे आ गया, ठीक, फूड चेन विल स्टार्ट इट्स फ्रैग प्राइमरी एनर्जीज एंड एंड विद टॉप प्रेडेटर एनिमल्स दैट हैव रिटेन और ग्रो नेचुरल एनर्जी। जो हमारा फूड चेन होता है वो क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स से स्टार्ट होता है एंड एंड टू द टॉप प्रेडेटरी, यानी कि जो ऐसे जानवर जो किल करते हैं, हंट करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रेडेटर्स, तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स करते हैं रिटेन ग्रुप में चले जाते हैं, तो हमारे वो कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें एक नेचुरल एंजाइम्स, फिर नेचुरल एंजाइम्स क्या होता है, वो फिर वो फंगाई होते हैं, वो क्या होता है डिकम्पोज होते हैं, फंगाई जब डिकम्पोज होता है फिर क्या वो फॉर्म करता है ग्रास का, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। फूड चेन बस स्टार्ट क्या हो गया है, प्रोसेस लिखा हुआ फूड चेन स्टार्टेड विद द प्राइमरी एनर्जी
resource them and it will return out of that animal that can be taken on more natural forms. Okay. Then next time again, when animal will be doing it, it will eventually be in the dead rivers. ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी और ब्लू कंटेंट है यानी मतलब तो उसको इवेंचुअली जो फॉर्म उसको ईट करेगा हमारा बैटरी ओरस। ठीक है, जैसे लाइन जैसे कौन कौन होता है, कौन कौन से जानवर होते हैं बैटरी ओरस, वो वल्चर, गिट, वॉर्म्स और स्क्रैप एंड केकड़ा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं जो हमारे बैटरी ओरस होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो डेड और ब्लू को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं बैटरी ओरस। ठीक है, सिंपली सा फूड चेन का मतलब है कि फूड चेन स्टार्ट होता है जैसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स से, फिर वो कहाँ तक जाता है टॉप प्रेडेटरी पर, मतलब ऐसे जानवर जो हंट करते हैं या किल करने का, ठीक, शिकार करते हैं और क्या करते हैं मारते हैं, ठीक है, किल करके जो जो अपनी फूड लोकेशन को कंप्लीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रेडेटरी, फिर वो क्या होता है छोटे छोटे एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं, जब वो छोटे एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनको वो ऑलरेडी क्या होता है दो तरह से किल हो जाता है। डेड होने के बाद क्या होता है इवेंचुअली उसको बैटरी वॉरस उसको खा लेते हैं, जैसे कि ई हमारा ये दुआ बॉस हुआ एक रेगुलेशन क्या करते हैं उसको जितना उनके न्यूट्रिशन होता है वो उतनी अपनी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, फिर जब उनका न्यूट्रिशन कम्प्लीट हो जाता है तो वो क्या करते हैं ब्रेकडाउन छोटे छोटे पार्ट में, फिर जब वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकडाउन हो जाते हैं फिर उनमें क्या होता है डिकम्पोजर क्या करता है उसको डिकम्पोज करता है, मोस्टली कौन कौन से डिकम्पोजर होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए फंगाई हो गए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं उसको क्या करते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, फिर क्या करते हैं फिर वो एनर्जी जिसमें से रहते हैं हमारे सॉइल, फिर वही सॉइल क्या करती है फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारे एनर्जी का रिसोर्स। ठीक है, ये था फूड चेन। नेक्स्ट, फूड चेन मेक ए फुल सर्किल एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम एनिमल टू एनिमल टू डिकम्पोजर एंड बैक टू द होस्ट। क्या है वो हमारा फूड चेन क्या करता है एक सर्कल बनाता है। ठीक है, एक सर्कल बनाता है हमारा फूड चेन, क्या जैसे एनर्जी है, एनर्जी क्या पास होती है प्लांट से, ठीक है, प्लांट से किसको चले जाती है हमारी एनिमल्स में, एनिमल्स टू एनिमल्स क्या होती है वो ट्रांसफर होती रहती है हमारी एनर्जी, फिर जो एनिमल्स होते हैं वो किसमें डिक हो जाते हैं डिकम्पोजर्स में, फिर वो डिकम्पोजर क्या करता है फिर बैक टू इसमें चला जाता है वो प्लांट। ठीक है, सिंपली हम ले सकते हैं हमारा फूड चेन क्या है, वो क्या होता है एक सर्कल पूरा होता है, सर्कल होता है उसमें, उसमें क्या होता है प्लांट एनर्जी जो हमारी कैसे होती है प्लांट से लेकर एनिमल्स टू एनिमल्स पास होती रहती है हमारी एनर्जी। ठीक, फिर वो जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं डिकम्पोजर को ईट करते हैं, डिकम्पोजर करने के बाद वो क्या होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करने के बाद जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है फिर वो क्या करता है बैक टू प्लांट, ठीक, वो खा कर चले जाते हैं प्लांट में, फिर उनकी ग्रोथ प्लांट को फिर ग्रोथ होती है, फिर प्लांट से एनिमल्स में ऐसे हमारा जो फूड चेन का सर्किल है, ठीक है, वो अपना चलता रहता है। ठीक है, देयर कैन बी मेनी लिंक्स इन फूड चेन बट नॉट टू मेनी। ठीक है, लिंक तो होता है फूड चेन से लेकिन बहुत ज़्यादा। ठीक है, इफ दे आर टू इफ दे आर टू वेरी लिंक्स देन द एनिमल एंड द ह्यूमन कुड नॉट बी गेट द फैट्स। अगर अगर एक फूड से दूसरे फूड में जैसे मान लो कि प्लांट है प्लांट से एनिमल्स, ठीक है, एनिमल से वो क्या हुआ डायरेक्ट डिकम्पोजर हो गया, या तो डिकम्पोज भी हो सकता है या तो वो एनिमल्स को एक उसको एनिमल्स ईट कर सकते हैं। ये क्या होता है जो हमारा लिंक है अगर ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो कम होता है, यानी कि जिस एक फ्लो में जो चल रहा था छे वो क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, ना कि उसको दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा लिंक्स हो जाते हैं
तो वो हमारा जो एनर्जी का फार्मूला है वो क्या हो जाता है, हमारा फार्मूला तो ठीक है। द फर्दर अलोंग द फूड चेन इज इक्वल यू गो द लेस फूड एंड हेंस एनर्जी रिमेन्स अवेलेबल। फिर क्या हो जाता है, जो हमारा अगर बहुत ज़्यादा चेन, अगर बहुत ज़्यादा लीव कुछ में आ रहा है, जैसे कि एक फिगर का समझाता हूँ, जैसे ये लिंक क्या हुआ, ये लिंक डायरेक्ट इससे बन गया, ठीक, एक लिंक इससे बन गया, एक लिंक इससे बन गया, तो ये क्या हुआ, जो बीच में जो एलिमेंट्स रह गए उनके बीच कनेक्शन नहीं होता, ठीक। तो ये कनेक्शन अगर नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो गई, हमारी बच गई, यानी कि डिग्री हो गई, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी बची तो वो हमें अवेलेबल हो गई, ठीक है। अगर लिंक बहुत ज़्यादा होती है हो सकता है ये ग्रास ड्राइट ट्रीट कर लें, ठीक, हो सकता है जो ड्राइट है वो डायरेक्ट ईगल यूज कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। मोस्ट फूड चेन हैव नो मोर देन फोर और फाइव लिंक, यानी जो फूड चेन होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फोर और फाइव लिंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। हैव नो मोर देन फोर और फाइव, ठीक है। इन फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम वन एंड द लेवल बिलो, यानी जो हमारी एनर्जी होती है, यानी कि पहले हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। फिर एक एनिमल एक क्या है ना, एक एनर्जी तो हाई हाई एनर्जी को, फिर क्या थोड़ा सा लोगा, फिर थोड़ा सा लोगा, फिर थोड़ा सा लोगा, यानी कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या होती है, एक बहुत ही हाई लेवल से लो लेवल में, बिलो लेवल में करवा, ठीक है। ये चेंज इन द साइज ऑफ द वन पॉपुलेशन, द चेंज इन द साइज ऑफ द वन पॉपुलेशन इन फूड चेन विल बी अफेक्टेड द अदर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर कोई चेंज आ गई साइज में, ठीक है, एक पॉपुलेशन में अगर चेंज आ गई साइज में, तो क्या पॉपुलेशन ऑफ यानी कि फूड चेन में, ये हमारा फूड चेन का पॉपुलेशन, ठीक है, ये फूड चेन का हमारा पॉपुलेशन है पूरा, ठीक है। अगर एक चेन मान लो ये ऐसे डायरेक्ट है, ये लीज आ गया, ये अलग डायरेक्ट ईगल से नहीं है, ठीक, तो ईगल डायरेक्ट ही इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आए तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पॉपुलेशन में जो हमारे फूड चेन है पॉपुलेशन उसका, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी बहुत कंज्यूम हो जाएगी और अवेलेबल एनर्जी में एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चेंज इन साइज ऑफ द वन पॉपुलेशन इन ए फूड चेन विल बी अफेक्ट अदर पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे जो फूड चेन है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है इसमें टू टाइप्स में, चेन क्या हुआ होता है जिसमें फूड डिवाइड हो गया फर्दर टू चेन में, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है पेट्रियस या सेप्रोफेटिक फूड चेन, ठीक। जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो फिर फर्दर डिवाइड होता है इसमें फेडरेटिव फूड चेन और पैरासाइटिक फूड चेन, ठीक है। पहले ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है ये पढ़ लेना पहले, ग्रेजिंग क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होता है, जैसे जो हमारे ऐसे कार्निवोरस जो क्या करते हैं, हमारा सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, जो कार्निवोरस जो ग्रीन प्लांट को इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारे ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चली गई वो क्या हो गया हमारा ग्रेजिंग। फिगर में बताते हैं, ये जो इतना प्रोसेस है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस है ये होता है ग्रेजिंग, ठीक है, ये हमारा क्या ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है।
इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट विद ग्रीन हार्ट एंड पोल्यूटेड विद एनिमल्स, यानी कि जो हमारा ग्लोबल फूड चेन है वो किससे स्टार्ट हुआ, ग्रीन प्लांट से, और कहाँ पर खत्म होगा, कार्निवोरस से। ठीक है, जो ग्रेजिंग है वो फर्दर देखिए किसमें डिवाइड होता है, प्रेडेटरी फूड चेन और पैरासाइटिक फूड चेन। ठीक, प्रेडेटरी फूड चेन क्या होते हैं, बीइंग विद प्लांट्स एंड प्रोसीड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एनिमल। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कि वो क्या स्टार्ट करते थे प्लांट से, पेस्ट शुरुआत होता है वो प्लांट से, और प्रोसीड क्या करते हैं छोटे से बड़े जानवर। ठीक है, जैसे होता है क्रॉप्स, फील्ड माइस, फील्ड माइस को इसमें हुआ आउल। ठीक है, ये हो गया क्या, ये जो स्मॉल से लार्ज में जाते हैं। ठीक है, स्मॉल से लार्ज एनिमल को ये प्रोसीड कर रहे हैं, यानी स्टार्ट जो होगा वो प्लांट से, लेकिन जो प्रोसीड करेगा वो क्या होगा, स्मॉल से लार्ज एनिमल में जाएगा। लेकिन जो पैरासाइटिक होता है सेम उसी में उल्टा होता है, ये स्टार्ट तो होता है प्लांट से, लेकिन जो प्रोसीड करता है क्या, लार्ज से स्मॉल एनिमल में। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर है हमारा, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, हमारा प्रोड्यूसर मीन्स क्रॉप्स हो गया, फिर हर्बीवोरस, ठीक, सेकेंड प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर हर्बीवोरस किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरासाइट्स में, पैरासाइट्स में डायरेक्टली किसमें, अगर ये मर गया डायरेक्टली तो किसमें हो गया फॉरवर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डिकम्पोज हो जाएगा इसका। तो ये दो तरह के ग्रेजिंग फूड चेन की तरह के, तो दो तरह के, पहला होता है प्रेडेटरी फूड चेन और दूसरा होता है हमारा पैरासाइटिक फूड चेन। प्रेडेटरी फूड चेन क्या होते हैं, कि जो हमारा स्टार्ट होता है वो प्लांट से और किसमें प्रोसीड करता है, स्मॉल से लेके लार्ज एनिमल में प्रोसीड करता है। ठीक है, जैसे क्रॉप है फाइव माइज और पॉलिन। ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे क्रॉप है स्टार्ट हुआ छोटे से प्लांट से, फिर जैसे हुआ एक छोटे जानवर फाइव माइज, उसके बाद इसमें आउल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पैरासिटिक फूड, पैरासिटिक मतलब लार्ज से स्मॉल में, यानी कि जैसे हर किसी हरी वर्ष ने घास ग्रास को ईट किया, वो क्या हुआ डेथ, वो उसकी डेथ होगी सडनली, फिर वो देख क्या हुआ इसमें पैरासाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या है डायरेक्ट्रियस और सेप्टोफाइटिक फूड चेन। ठीक, ये जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट ही होता है जिससे डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, जो भी जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है तो कुछ हो गया डेड हो गया, तो वो उसी से स्टार्ट होगा। ठीक, डेथ ऑफ ऑर्गेनिक इज बीइंग फ्रॉम द डेडली फूड चेन। ठीक है, जो हमारा चेन होता है, यानी कि जैसे कि ये डायरेक्ट ही किससे होगा, डेड ऑर्गेनिक से। ठीक, तो जो डेथ ऑफ ऑर्गेनिक इज बिगिंग ऑफ द डेडफ्रिज फूड चेन, यानी कि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो उसमें कन्वर्ट हुआ हमारा डेडफ्रिज और सप्लीमेंट्री फूड चेन। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट की पत्ती होती है, लीफ होती है ना, जो हमारी जंगल की जो पेड़ होती है, ठीक, क्या होता है वो सूख जाती है पूरी तरह से, सूखने के बाद क्या होता है उसमें फंजाई आ जाती है, फिर फंजाई क्या होता है उसको कन्वर्ट बैक्टीरिया के साथ आ जाता है, पूरा डिकम्पोज कर देता है, पूरी तरह डेड। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई हाउएवर आर ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड दे टर्न आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म सच सिंस द सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट इज द सन इज बट डेट्रियस दिस लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड डेट्रियस। ठीक है, फंगाई और यूरिया उसको पूरी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है हमारा उसको पूरी तरह से ईट करते हैं, फिर वो ईट करने के बाद क्या करते हैं, ईटन बाय अदर, फिर क्या होता है वही ऑर्गेनिज्म फिर से उसी ऑर्गेनिज्म को फिर दोबारा ईट करते हैं, फिर क्या होता है जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी अगर अगर उसमें सन की प्रेजेंट है तो फिर क्या करते हैं वही वही बैक्टीरिया और फंगाई फिर से उसको डिकम्पोज करने के लिए चलते रहते हैं, फिर वही जो लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप होती रहती है बैक्टीरिया और फंगाई में या ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा डेट्रियस फूड चेन, यानी कि सिंपली से कह सकते हैं जो डेथ ऑर्गेनिज्म को बीइंग रोज रोज मतलब रोज पे रोज उसको खाते जाएंगे या उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे डेट्रियस फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड वेब, फूड वेब क्या होता है,
इन नेचर फूड चेन रिलेशनशिप आर नॉट आइसोलेटेड, यानी कि जो हम अगर हम नेचुरली देखें तो फूड चेन रिलेशनशिप जो होता है वो नॉट आइसोलेट होता है, ठीक है, हमेशा एक तरीके से ही नहीं होगा, मतलब रैट में यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। अब पहले बता रहे कि मान लीजिए ये क्रॉप है, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि क्रॉप डायरेक्ट ही रैट यूज करे, रैट की बजाय स्नैक यूज कर सकता है, स्नैक यूज करने के बजाय जो हमारा ईगल है वो यूज कर सकता है, ठीक है, या रैट ही डायरेक्ट ईगल को यूज ईगल यूज कर ले, तो इसी तरह जो हमारा फूड चेन का रिलेशनशिप है उसमें हमारा आइसोलेट है। वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लिंक्स हो जाते हैं, जो फूड वे होता है उसमें बहुत सारे लिंक्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वन ऑर्गेनिज मे फॉर्म द फूड सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिज, यानी कि जो हमारा एक ऑर्गेनिज है तो वो चार ऑर्गेनिज पे डिपेंड होता है, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज पे वो डिपेंड हो सकता है, इसीलिए जो क्या होता है ये हमारा फूड चेन है वो एक नॉर्मल सा एक चेन के लिए ठीक है, लेकिन जो हमारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स और ऑर्गेनिज जो सोर्स ऑफ फूड अपना बहुत सारे ऑर्गेनिज से बनाते हैं उनको उसी वे एक दोनों प्रोसेस बोलते हैं फूड वे, ठीक है, दस एसेंस ऑफ सिंपल लीनियर फूड चेन दे आर इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मड बाय दी एटीएक्स, सच इंटरकनेक्टेड मैट्रिक्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, यानी जो एक मैट्रिक्स की तरह फॉर्मेशन होता है उस फूड चेन को क्या बोलते हैं फूड वेब, जो एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं फूड वेब, ठीक, फूड वेब आर एक डिस्पेंसर बनने के इकोसिस्टम एज दे आर अलाउ एन ऑर्गेनिज टू ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन टाइम्स फॉर मीन्स टू लोअर ट्रॉफिक लेवल, यानी जो फूड वेब होता है वो क्या होता है डिस्पेंसिबल होता है इकोसिस्टम, यानी कि उसका कोई एक सीक्वेंस नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, वो किसी पर भी डिपेंड कर सकता है, वो एक ऑर्गेनिज तीन ऑर्गेनिज पर डिपेंड करता है, यानी मेनी ऑर्गेनिज पर वो डिपेंड कर सकता है, इसीलिए जो हमारा फूड चेन क्या होता है इंटरलिंक हो जाता है किसी और एनिमल से अदर ऑर्गेनिज से, तो क्या हो जाता है और इंटरकोवेन एज ए नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेता है, तो उस फूड चेन को हम क्या कर सकते हैं सिंपली फूड वेब, ठीक है, फिर क्या है हमारा फूड वेब है फूड वेब सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इन एक गिवन एरिया, जो क्या होता है फूड वेव क्या होता है एक सिंपली पर वेव है, वेव का मतलब इंटरकनेक्शन एक नेटवर्क फॉर्म करता है एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी चेंजेस है जैसे एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उससे क्या होता है एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन वो मैट्रिक्स को देता है जो एक कनेक्शन होता है क्या करता है एक दूसरे को इंटरलॉक करता है, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट होता है यानी कि उनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं होती, या तो ये भी यूज़ कर सकता है ये ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज को यूज़ कर सकता है या तो ये ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और एक एक दूसरे से इंटरलॉक भी होता है, जो फूड चेन होता है वो एक गिवन एरिया में दिया होता है, ठीक है, क्योंकि आप फूड वेब में सेवरल फूड चेन कनेक्टेड टूगेदर, यानी जो फूड चेन वो क्या फूड वेब एक जो बहुत सारे फूड चेन का एक सेवरल वेब बन जाता है उसको वो क्या करता है फूड चेन को पूरी तरह से कनेक्ट कर लेता है पूरी, ठीक,
फिर क्या है, फूड बेबीज एंड मैनी फूड चेन लिंक टुगेदर टू शो ए मोर सॉरी एक्यूरेट मॉडल ऑफ द ऑल पॉजिटिव इन रिलेशनशिप और द इनहेरिटेंस सिस्टम। वही चीज है कि जो एक फूड लेबल था कहता है मैनी फूड चेन को इंटरलिंक कर देता है एक साथ, फिर वो क्या करता है एक्यूरेट मॉडल ठीक बना देता है जिससे फीडिंग रिलेशनशिप हमको पता चलता है और अपने इको सिस्टम में कैसे कैसे फीडिंग और रिलेशनशिप है हमारी और जैसे कि ये क्या है ग्रीन प्लांट ठीक है, ये क्या हमारा प्रोड्यूसर है ठीक। फिर इसको क्या हुआ इसको किसको किसने ऐड किया, एक इसको ऐड किया उसने ग्रोथ में ठीक है, ग्रोथ में इसको ऐड किया ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा रैबिट, रैबिट में भी ग्रास को ऐड किया ठीक है। यहाँ पर इंटर कनेक्शन कैसे बनाया देखते हैं, माउस है, माउस प्लांट्स को भी ईट कर सकता है ठीक है, फिर ये माउस रैबिट भी यूज कर सकता है ठीक है, ईट कर सकता है ठीक। फिर ये माउस पहले माउस से चलते फिर माउस ये कहाँ गया, माउस डायरेक्ट इससे कनेक्ट हुआ स्नैक से ठीक। फिर ये स्नैक इससे कनेक्ट हुआ काइट से, काइट्स के बाद ये डिकम्पोज हो गया। फिर ये रैबिट हाउल, हाउल से भी डायरेक्ट इस यूज कर सकता है, हाउल भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकता है। फिर ये रैबिट किससे हो सकता है वाइल्ड कैट से, फिर वाइल्ड कैट ये किससे का मतलब है कि लॉन से। तो ये क्या हुआ इंटरलिंक जो हमारा हुआ वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है, एक ऑर्गेनिक मेरी ऑर्गेनिक से क्या हो जा रहा है इंटरलिंक हो रहा है। तो यही जो प्रोसेस है इंटरलिंक का वो क्या पूरा जो कनेक्ट करता है एक ऑर्गेनिक से दूसरे ऑर्गेनिक से, उसको हम बोलते हैं क्या फूड पे। फिर क्या है हमारा, फिर ये हमारे रैबिट्स, अब रैबिट से देखते हैं रैबिट से प्रोड्यूसर को ईट किया ठीक है। फिर ये रैबिट किससे ईट हुई वाइल्ड कैट से, वाइल्ड कैट से किसने वाइल्ड कैट को किसने ईट किया लॉन में, लॉन के बाद कोई नहीं आता है कार्निवोरस लास्ट होता है ये डिकम्पोज हो जाएगा ठीक है। फिर ये रैबिट किससे हुआ जैकल से, फिर जैकल किसने का मान हुआ लॉन से ठीक है। ये क्या हुआ जो रैबिट है वो किससे किससे इंटरकनेक्ट हुआ, एक हुआ तो वाइल्ड कैट से एक हुआ जंगल से। तो ये जो इंटरकनेक्शन है वो इंटरकनेक्शन किया जाता है कि चारों लोग जो इंटरलिंक होता है वो फूड वेब फूड चेन को इंटरलिंक कर लेता है और एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेता है। ये नेटवर्क फॉर्मेशन क्या बोलते हैं पूरा फूड वेब ठीक है, जो एक ही ऑर्गेनिज्म इस जो तीन तीन ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है ठीक है, या मेनी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो सकता है ठीक है। फिर हमारा ग्रोथ से लेते हैं, फिर हमारा ग्रोथ से लेते हैं, ग्रोथ का ग्रोथ से क्या होगा या तो इस पर भी डिपेंड हो सकती है ग्रोथ जैकॉल पर यहाँ पे लॉन ठीक है, या वो उस पर डायरेक्टली लॉन से भी हो सकती है। तो ये क्या हुआ जो इंटरकनेक्शन हुआ वो होगा बॉल। तो ये जो मूल प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ये जो मूल प्रोसेस ऑफ फूड चेन है ठीक है, एक साथ फूड चेन को सारा हमने इंटर कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाया हमारा फूड ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर भी देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में क्या है इसमें देखते हैं, देखते हैं पहला क्या है इसमें ग्रास ठीक है, ग्रास के बाद ये इसको किसने ऐड किया प्रोड्यूसर यानी ग्रास होपर ठीक है, ग्रास होपर के बाद ये किसने का नाम हुआ इसको ग्रास होपर ने किसको ऐड किया लिजर्ड ठीक है। फिर क्या हुआ ये लिजर्ड ने इसको ऐड किया ठीक है, चीन ने इसको ठीक है, ये एक फॉर्मेशन ऑफ चेन है ठीक है, एक ये फूड चेन है ठीक है, एक ये फूड चेन हुआ, एक ये फूड चेन एक हमें मिल गया ठीक। फिर ये ग्रॉस ऑफर क्या हुआ, ये ग्रॉस क्या आ गया रैबिट ठीक। फिर ये रैबिट इसमें हुआ हॉक ठीक है, तो यहाँ इसमें चीज में फॉर्म हुआ
ये एक फूड चेन हुआ, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि बच्चे ग्रास को में क्या माउस से रिलेटेड, माउस से उसके जरिए इसको ईट कर लिया, फिर इस नैक ने रैट को ईट किया, ठीक। फिर इस नैक कहाँ चला गया, सी यानी। तो ये एक फूड चेन, मतलब फूड वेब का सिंपली सिंपल सा वर्ड है कि मतलब जो कनेक्शन ऑफ फूड चेन है वो क्या होता है, फूड वेब होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक फूड वेब इन है ग्रास का इकोसिस्टम विद फाइव पॉसिबल फूड चेन। हमने जो तीन देखे हैं, अब जो और देखे थे, एक पहले है ग्रास, ग्रास से किस में गया, एक गया ग्रास से ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर से डायरेक्ट लिंक हुआ क्या वो हॉप, ठीक। हमने तीन हो, ये हो गया चौथा, ये हमारा चौथा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, ग्रास ये रहा माउस, माउस से डायरेक्ट यहाँ चला गया हॉप, ये हमारा क्या हो गया पांचवा, ये हमारा पांच फूड चेन जिसमें हमने शो किया, ठीक। ये जो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड होता है, सॉरी इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फूड वेब, ठीक।